सा रोका। कोरोना पर मीटिंग में पीएम मोदी का जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर, कहा सर्विलांस रखे, सांस की बीमारी से पीड़ित सभी मरीजों की टेस्टिंग की जाए। जयराम रमेश का पीएम मोदी पर तंज, बोले मोदी जी चुप्पी तोड़िए, भाजपा चाहती है हम जेपीसी की मांग वापस ले, हम ये सौदा नहीं करेंगे। शरद पवार ने बुलाया विपक्षी दलों की मीटिंग, 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने पर चर्चा होगी। राज ठाकरे का बड़ा बयान, बोले सरकार बनी तो सब सीधा कर दूंगा, माही में मजार नहीं हटी तो उसके पास बड़ी गणपति मंदिर बनाएंगे। ओडिशा पहुंची बंगाल सीएम ममता बनर्जी, जगन्नाथपुरी में किया दर्शन, गेस्ट हाउस बनाने के लिए जमीन भी देखी। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान आसमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां संभल में आम आदमी पार्टी में संगठन निर्माण प्रभारी आतिर हुसैन के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई और बैठक का संचालन जिला अध्यक्ष सचिन कुमार ने किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी चुनाव मजबूती के साथ हर निकाय में लड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा अगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी विजय होता है तो हम हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ करने का काम करेंगे। साथ ही शहर में सफाई की भी व्यवस्था की जाएगी। और प्रभारी आतिर हुसैन ने कहा कि संगठन निर्माण विस्तार के लिए सदस्यता अभियान चलाना बेहद जरूरी है। देखिए, हम संगठन विस्तार पर काम कर रहे हैं। आप जानते हैं लोकसभा चुनाव बहुत करीब हैं और निकाय चुनाव की किसी भी वो घोषणा हो सकती है, तो हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हमसे जुड़े और लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के मॉडल और पंजाब के मॉडल से लोग प्रभावित हैं। आए दिन हमें कॉल आते रहती हैं, लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमें हमारी पार्टी में संगठन में जिम्मेदारियाँ चाहते हैं। तो आज हमने बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारियाँ बांटी हैं और हमने बहुत सारे लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई। आप जितने भी लोग देख रहे हैं पीछे से, ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने आज ही हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करी है। गाजियाबाद से लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने फिर से विवादित बयान दिया। दरअसल नंद किशोर गुर्जर का एक लेटर वायरल हो रहा है जो एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को लिखा गया है। लेटर में उन्होंने लिखा है कि हिंडन एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए, साथ ही चैत नवरात्र के चलते किसी का व्रत खंडित न हो और क्षेत्र में शांति और सौहार्द बना रहे, इसको लेकर सभी प्रकार की मांस की दुकानें, मांसाहारी होटल और कट्टी घर बंद करवाए जाए। इसमें उन्होंने नई चीज जोड़ते हुए ये और भी बताया कि अयोध्या के बाद कहा अगर कहीं पूर्ण रामराज है तो वो लोनी में है, क्योंकि रावण का वध करने के बाद लौड़ासुर नाम का एक बड़ा राक्षस बच गया था जिसका वध खुद शत्रुघ्न ने किया था। आज मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है कि पवित्र नवरात्रों के जो हमारे त्योहार हैं, और रामनवमी भगवान श्री राम का त्योहार है, नया साल भी है और बहुत पवित्र दिन है आज हिंदुस्तान की और भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग, तो वैसे भी अधिकारियों ने मीटिंग करके जितना भी मांस की दुकान, मांसाहारी होटल है उनको बंद करा दिया है। उसके बाद भी एक दो जगह से शिकायतें आई हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन पूर्ण रूप से लोनी में इनको बंद कराएगा। वैसे भी लोनी के अंदर रामराज है, क्योंकि जिस टाइम रावण को मारने के बाद भगवान आए तो लवणासुर बचा हुआ था, तो लवणासुर को मारने के लिए बहुत बड़ा राक्षस था, तो शत्रुघ्न महाराज लोनी में आए थे और लवणासुर का वध किया था। इसलिए अयोध्या जी के बाद अगर कहीं पूर्ण रूप से रामराज कायम हुआ तो लोनी में हुआ था। तो लोनी के अंदर रामराज कायम रहे, सभी लोग मिलजुल के रहें और कोई भी दुकान न खुले जिससे किसी का व्रत खंडित हो और क्षेत्र में तनाव हो। मुझे उम्मीद है कि एक एक दुकान का या जो होटल्स हैं उनके बारे में पूरा प्रशासन पूरा चिन्हित करके जो लोग नहीं माने होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। हर हाल में मास्क की दुकानें बंद होंगी। सुल्तानपुर जिले के मालगोदाम स्थित सभागार में बिहार दिवस मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस आयोजन में बिहार के रहने वाले मुकेश कुमार ने सर्वप्रथम केक काटकर सभी उपस्थित युवाओं और महिलाओं को केक वितरण कर बिहार दिवस की बधाई दी है। वही बिहार राज्य का गठन आज के ही दिन हुआ था। 1912 में अंग्रेजों ने बंगाल से बिहार को अलग कर इसे एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलाया था। वही सीएम नीतीश कुमार की पहल पर बिहार दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई।
उन्होंने 2010 में इसकी शुरुआत की और तब से ये हर साल मनाया जाता है। आज बिहार दिवस 24 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। आज 111वीं वर्षगांठ। पहले तो हम लोग नहीं मनाया करते थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने 2010 ईस्वी से इसको मनाने का कार्य स्टार्ट किए थे। उसी के उपलक्ष्य में आज बिहार दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। खेलने के दौरान बच्चों के शोर से नाराज मकान मालिक ने किराएदार के बेटे को इतनी बुरी तरह पीट दिया कि उसका सर ही फट गया, जिसके चलते बच्चे के सिर में कई टाके लगे हैं। मामला फरीदाबाद के अजरौदा इलाके का है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के परिवार के शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है। हरदोई में समाज सेवी ने विक्षिप्त महिला का अंतिम संस्कार किया। दरअसल करण की माता ज्ञान्ति कश्यप 8 वर्ष पहले मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। दर दर भटक रहे परिवार को 8 वर्ष पूर्व मिशन आत्मसंतुष्टि संस्था राजवर्धन सिंह राजू ने सहारा दिया था। वहीं करण की माता ज्ञान्ति कश्यप को सड़क से उठाकर मिशन आत्मसंतुष्टि भवन में लेकर आए थे, जहां पर इनका रहना, खाना, बच्चों की पढ़ाई इत्यादि मिशन आत्मसंतुष्टि संस्था द्वारा ही किया जा रहा था। मिशन आत्मसंतुष्टि के संरक्षक राजवर्धन सिंह राजू ने बताया कि 2 छोटी बच्चियों को भी पढ़ाया जा रहा है। आज हो गया 8 साल। अच्छा, 8 साल से राजू दादा के उसमें रहती थी, उन्हीं के अंडर में, उन्होंने ही सब किया है। आज मेरी माँ, हम वहाँ के मिंडवा के रहने वाले हैं, ना खाने को था ना कुछ था, तो राजू दादा जी ने हमारा सब कुछ किया और उन्होंने ही मतलब हर मदद, उन्होंने लकड़ी सकड़ी सब उन्होंने मदद की। उन्हीं के साथ पास रहती मेरी बहन भी, वही पढ़ा लिखा रहे हैं। हरदोई में दोहरे हत्याकांड का जायजा लेने आईजी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने घटना के चश्मदीद से बात की और इसके साथ ही गंभीर घायल चश्मदीद ने गांव के 3 लोगों को पहचानने की बात कही है, जिसमें आईजी ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल मृतक के परिजन बुलडोजर से मकान गिराए जाने और कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। बताते चले कि प्रधान के भतीजे और अधिवक्ता के साथ मारपीट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिनकी पहचान पुलिस द्वारा कर ली गई है, जिसमें एसपी ने परिजन को ढांढस बंधाते हुए मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। और जो एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ है, जो वहाँ पर मौजूद था घटना के समय और बच गया था, तो उसने जो तथ्य बताए हैं उनकी हम छानबीन कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं, जो सुराग हमें मिले हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर बिजनौर से है, जहां स्पेयर पार्ट्स की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने की सूचना पर दमकल कर्मियों ने बमुश्किल कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दुकान में लगी आग पर काबू पाया। दुकान में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। काना होटल के पास स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लगी। इस सूचना पर तुरंत फायर स्टेशन गनियाबाद की घटनास्थल पर गाड़ी पहुंची और आग को काबू पर पाने का प्रयास किया गया। आग की विकरालता को देखते हुए फायर स्टेशन नजीमाबाद और बिजनौर से गाड़ियां तुरंत मौके पर बुलाई गई और आग पर काबू पाया जा सका। रायबरेली में मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा प्रशासन को अवगत कराया गया था कि महिला जिला अस्पताल, जिला पुरुष अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटलों के बाहर जिस तरह से अवैध रूप से
प्राइवेट एम्बुलेंस चालक बाहर खड़े होकर जाम की समस्या और तीमारदारों से गलत तरीके से वार्तालाप करते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आज एआरटीओ एवं यातायात ट्रैफिक क्षेत्र अधिकारी और टीएसआई और पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 5 एम्बुलेंस का चालान काटा। इस दौरान 2 एम्बुलेंस गाड़ियों को आनन फानन में सीज भी किया गया। वहीं सभी गाड़ियों का चालान काटकर वाहन स्वामियों को निर्देशित भी किया गया है कि पूरे कंप्लीट पेपर के साथ आए और इस तरह से हॉस्पिटल परिसर के बाहर जाम की समस्या न उत्पन्न करें। वो इस दौरान कुछ बसों का भी चालान करते हुए नजर आए और यह अभियान एआरटीओ विभाग का लगातार चलता ही रहेगा। आज एम्बुलेंसेज के विरुद्ध अस्पताल चौराहे के आसपास जो भी अस्पताल परिसर के आसपास जो भी संचालित हो रहे थे अवैध रूप से, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जो भी अस्पताल परिसर के आसपास वाहन हैं प्राइवेट, उन वैध प्रपत्रों के साथ ही संचालित हों, साथ ही यात्रियों के साथ या ज़रूरतमंदों के साथ गलत बिहेव ना करें और उनसे मनमाना किराया वसूल ना करें। इस संदर्भ हरदोई के मंझीला इलाके में गाड़ाबंदी कर बाइक सवारों को मौत के घाट उतारने का एक मामला सामने आया है। बता दें कि बाइक सवार अधिवक्ता और प्रधान के भतीजे को बुलेरो सवार लोगों ने रोककर पहले तो हमला किया, फिर बुलेरो से कुचलकर उन्हें खाई में फेंक दिया। इस दौरान बाइक सवार तीसरे युवक को भी बुरी तरीके से घायल कर दिया गया, जिसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी ने परिवार का ढांढस बंधाया और कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जो अब तक जानकारी मिली है, ग्राम पारा है थाना मझिला में, इसके 3 युवक मोटरसाइकिल से आ रहे थे। इसमें एक अमित शुक्ला, एक रमाकांत कुशवाहा, एक और संतोष थे और इनको इसी गांव के बड़े सिंह है, इनके परिवार के लोग बोलेरो गाड़ी से उन्होंने टक्कर मारा है जिससे वो गिर पड़े। और कुछ ये भी बातें सामने आ रही हैं कि उनको उसके बाद भी हमला किया गया है और उनको हॉस्पिटल ले आया गया इलाज के लिए, जहां पर कि अमित और ये रमाकांत की मृत्यु हो गई है। संतोष का इलाज चल रहा है, अभी उसकी हालत ठीक है, परिजनों द्वारा अभी तहरीर दी जाएगी। अलीगढ़ में पुलिस की खाकी वर्दी पहने हुए खुलेआम रिश्वत लेते हुए दिख रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि ये दारोगा है, जिसका नाम पेटू राम बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ये दारोगा अकराबाद थाने में तैनात बताया जा रहा है। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि अकराबाद थाने में तैनात दारोगा द्वारा थाने पर किसी का मुकदमा दर्ज कराने से आए युवक से रिश्वत ली है। इस दौरान वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा दारोगा और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच बातचीत हो रही है। और आने जाना रहता था, उसी मुकदमा वरवा निकला ली और वो मिले ना, सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होगी और जो भी रिश्वत खोर होंगे उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होगी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस पर एक बेहद ही बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि अभी भी लगातार ये रिश्वत का खेल चलता ही रहता है। खबर रायबरेली से है, जहां सालोन थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने के लिए परिजन न्यायालय में गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि परिजनों ने 21 मार्च को मामले की शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री शौच के लिए गई थी, जहां गांव के एक युवक ने उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और विरोध करने पर मारपीट की। वही परिजनों का आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया और जब नाबालिग ने इसका विरोध किया तो नाबालिग के साथ मारपीट भी की गई है। लगातार ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो बेलगाम है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है। वही ऐसी ही खबर रायबरेली से सामने आई है, जहां पर एक बार फिर नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया और जब बच्ची ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई है।
अलीगढ़ में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि यहाँ एक छात्रा मनचलों से परेशान होकर अपनी पढ़ाई तक छोड़ देती है। वही मनचले स्कूल आते जाते रोज छात्रा को छेड़ा करते हैं। छेड़खाने से परेशान छात्रा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वही जब युवती ने छेड़छाड़ की बात माँ को बताई तो माँ के साथ मिलकर छेड़खानी करने वाले लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए माँ और बेटी शिकायत लेकर थाने पहुंची। वही पुलिस ने उसकी शिकायत पर छेड़खानी करने वाले आरोपी लड़के के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय छेड़खानी की शिकार हुई छात्रा और उसकी माँ को ही दुत्कार कर थाने से भगा दिया। वही कार्रवाई नहीं होने पर मां ने चार बेटियों समेत आत्महत्या की अब धमकी भी दी है। आपको हम बता रहे हैं जहां छेड़खानी से एक छात्रा इस हद तक परेशान हो गई कि उससे अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी और जब पीड़ित परिजन पुलिस के पास गुहार लगाने पहुंचे तो पुलिस ने उल्टा उनको ही दुत्कारते हुए थाने से बाहर भगा दिया। जिसके बाद पीड़िता की मां ने कहा है कि अगर इस मामले पर कोई कार्रवाई दबंगों के खिलाफ नहीं की गई तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर होगी। बाराबंकी में फकीर मोहम्मद युवक ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाए हैं कि वो पीर की मजार पर रहकर सेवा करता है। हर रोज की तरह मजार से अपने घर जो आ रहा था तभी रास्ते में कुछ लोगों ने मारपीट कर उससे पैसे तक छीन लिए और मारपीट भी की है। खबर रायबरेली से है जहां धर्मांतरण का खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बताते चले कि ईसाई धर्म के लोग हिंदू धर्म के लोगों को जमीन और पैसे का लालच देकर उनसे धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। गांव में पिछले कुछ दिनों से धर्म परिवर्तन का ये खेल चल रहा था जिसकी भनक विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने इस मामले पर 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कृपया सादर अवगत कराना है कि गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल गुरबख्शगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके लाई और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में एक महिला ने गांव के दो लोगों के विरुद्ध छेड़खानी, कपड़े फाड़ने और दुष्कर्म का प्रयास किए जाने की शिकायत पुलिस से की। पीड़िता ने बताया कि वो 19 मार्च को घर से बाहर गई थी तभी गांव के दो लोगों ने नशे की हालत में उसके साथ ऐसा बुरा काम किया है। वह पीड़िता ने यह भी बताया कि शोर मचाने पर युवक के परिजन भी आ गए और इस घटना में परिजनों ने भी उसका सहयोग किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। वह शोरगुल पर गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए। महिला का कहना है कि उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई लेकिन पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई रिपोर्ट तक नहीं दर्ज की है। मैं शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी सिविल कोर्ट में वकालत करता हूँ। ये हमारे क्लाइंट हैं, इनके साथ एक गलत FIR इन लोगों पर हो गई थी दिनांक 3/1/2023 की घटना दिखा करके। ये लोग मारे पीटे, उस पर FIR NCR में थाना नसीरा लिखी गई थी। पीड़िता ने एक फर्जी दरखास्त पासपोर्ट कोर्ट में दिया था इन लोगों पर, राम किशोर, राम सुमिरन, नीलम और नीलम की जेठानी के ऊपर। उस पर 156(3) पर इन लोगों के खिलाफ आदेश हुआ था, FIR दर्ज करने का आदेश थाने में हुआ। उसी घटना को रंजिश मानते हुए दिनांक 19/3 जब ये नीलम 19/3/23 को नीलम शौच के लिए गई थी तभी कुलदीप राजेंद्र और अरुण कुमार लोग इसको पीछे से पकड़ लिए और इसके साथ जबरदस्ती रेप करने का प्रयास किया, इसके ब्लाउज फाड़ दिए। इसने शोर मचाया तो गाँव के बहुत से लोग दौड़े। उसी बीच में जो अरुण कुमार की माँ गुड्डी और उसकी बहन नेहा वो भी दौड़ी और कहा आज इसको मारो साली को, जो होना होगा देख लेंगे। उसी रंजित उसकी बार इसने अपने जाके थाने में दरखास्त दिया। 20 तारीख को सुबह जाके रात में अपने पति को बताया जब वो घर से लोग आए उस पर कोई कार्रवाई नहीं तो आज ये SP के यहाँ आई और दरखास्त दे रही। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।